और कर्पूरी के बिना बॉडीगार्ड के मुख्यमंत्री रहते हुए और गांधी गांधी सीट पर बैठ कर मेरे घर पहुंच गए। जब उनकी मृत्यु हुई, एक पक्का मकान नहीं था उनके पास। आज तेजस्वी यादव एक नहीं बल्कि 53 संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के 12वें मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती आज मनाई गई है, जहां पर बीजेपी के द्वारा काफी धूमधाम से ये जयंती मनाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम नेता जो हैं वो मंच पर मौजूद हैं। और ऐसे में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक वाक्य तमाम लोगों के सामने साझा किया और साफ बताया कि किस तरीके का व्यवहार कर्पूरी ठाकुर का हुआ करता था। जब वो मुख्यमंत्री थे बिहार के, तब कोई व्यक्ति सुशील मोदी के घर आए थे, जब उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो कर्पूरी ठाकुर से मिलना चाहते हैं, तो खुद कर्पूरी ठाकुर सुशील मोदी के घर पहुंच गए बिना किसी अंगरक्षक के। देखिए, तमाम कहानी बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी तंज कस दिया, कह दिया कि एक कर्पूरी ठाकुर थे जो अपने जीते जी एक घर नहीं बना पाए, और दूसरी तरफ बिहार के डेप्यूटी सीएम हैं तेजस्वी यादव, जो केवल 32 साल के उम्र में 52 संपत्ति के मालिक हो गए। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले आप सुने। उनको देखने का मौका मिला, बल्कि उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने का भी मौका मिला। और दीदी का कि साथी के प्रतिमूर्ति थे। मुझे घटना याद है कि मेरे घर पर एक दिल्ली से अतिथि आकर ठहरे हुए थे, जो कर्पूरी जी से मिलना चाहते थे। और कर्पूरी जी बिना बॉडीगार्ड के मुख्यमंत्री रहते हुए और गांधी गांधी सीट पर बैठ कर मेरे घर पहुंच गए, और पहुंचने के बाद खुद ही घंटी बजा गए। मेरी भाभी पहचानती नहीं थी, उन्होंने दरवाजा खोला और पूछा कि आप कौन है। तो कहा कि मैं कर्पूरी ठाकुर हूँ। वो आवाज कर दी कि राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं दरवाजे पर खड़े होकर घंटी बजा। मित्रों, इस तरह की सैकड़ों घटनाएं आपको सुनने को मिल सकती है। जब उनकी मृत्यु हुई, एक पक्का मकान नहीं था उनके पास। उनके बैंक खाते में केवल 800 रुपए थे। एक ये थे कर्पूरी ठाकुर और दूसरे उनके अनुयायी, जो चारा घोटाले में चार सीटें होकर और जेल की सजा काट रहा। एक और कर्पूरी ठाकुर, दूसरी ओर अपने आपको उनका अनुयायी करने वाले लालू यादव का पूरा परिवार जब भ्रष्टाचार में आकर के डूबा है। और आज तेजस्वी यादव एक नहीं बल्कि 53 संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं, केवल 32 साल की उम्र। एक और कर्पूरी ठाकुर के जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, और दूसरी ओर उनके अनुयायी नीतीश कुमार और लालू यादव जो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। मित्रों, तो आपने साफ सुना किस तरीके से मंच पर कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए उन्होंने साफ बता दिया कि एक छवि कर्पूरी ठाकुर की थी और दूसरी छवि तेजस्वी यादव की है। एक जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो बिना अंगरक्षक के कहीं पहुंच जाते थे, आप अपने जीते जी एक घर तक नहीं बनाए, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो 32 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक हो गए। ये वही कर्पूरी ठाकुर हैं जो जीते जी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाए, और अभी की सरकार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ गलवैया कर सरकार चला रहे हैं, और साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने तंज कसा है बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।